अपनी मेहनत के बल पर जीवन में कुछ बेहतर कर दिखाने का जुनून खरसिया के हर युवा के चेहरे पर दिखता है। इनके अंदर असीम संभावनाएं हैं, कुछ कर गुजरने का जज्बा है। जरूरत है तो सिर्फ एक चीज की, बेहतर मार्गदर्शन की। और इस कमी को पूरा करने के लिए उनके बीच आ गए हैं उनके अपने माटी के लाल ओपी भैया। उनकी जरूरतों को भला ओपी भैया से बेहतर कौन समझ सकता है, जो इसी मिट्टी में पले बढ़े, जीवन के हर कदम पर संघर्ष किया और पूरे राज्य में अपने काम के दम पर युवाओं के रोल मॉडल बने। छत्तीसगढ़ के पहले लाइवलीहुड कॉलेज की शुरुआत भी ओपी भैया ने की। उनकी इस सोच को सरकार ने कौशल विकास के अधिकार के रूप में पूरे राज्य में लागू किया। राज्य के युवाओं के लिए एजुकेशन सिटी एवं नालंदा परिसर जैसी अद्वितीय परियोजनाओं को किया साकार। सेना भर्ती का महाअभियान चला, खोला रोजगार का द्वार। इन युवाओं के सपने कैसे होंगे साकार, इसका रास्ता ओपी भैया ने कर लिया है तैयार। स्कूल के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनेगा कौशल विकास। युवाओं को मनपसंद करियर चुनने के लिए सही जानकारी, अवसर और हर संभव मदद दी जाएगी। करियर परामर्श स्कूल स्तर पर ही होंगे उपलब्ध। युवाओं को उद्यमिता के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता मिलेगी। वास्तविक विकास वही है जो आने वाली पीढ़ी को बेहतर जिंदगी दे सके। इसी हिसाब से दंतेवाड़ा में एजुकेशन हब के रूप में दंतेवाड़ा को हमने विकसित किया था और वही हमारा लक्ष्य रहेगा, सपना रहेगा कि हम इस क्षेत्र में भी एक विशेष लक्ष्य तक एजुकेशन के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को पहुंचाएं। खरसिया के युवाओं के मार्गदर्शन के लिए ओपी भैया हैं अब हर पल उनके साथ। खरसिया की धरती पर होने जा रही है एक नई सुबह की शुरुआत।